हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस प्लेस अगेन। टुडे वी कंटिन्यू आवर सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, क्लास 6, चैप्टर 4, टॉपिक प्रोनाउंस। नाउ लेट्स रीड आवर हेडिंग 7, रिलेटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस दैट जॉइन टू सेंटेंसेस एंड रिफर टू द नाउन दैट गोज बिफोर द आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, एग्जाम्पल्स आ, दिस इज अ बॉय, He saved my life. This is the boy who saved my life. Who use हुआ है as a relative pronouns. Okay? We, this is a car. This is the car. It won the race. This is the car which won the race. In the sentences above, we find that who and which not only join two sentences, what relate to the nouns used before them. दे आर रिलेटिव प्रोनाउंस। आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो हु विच न केवल दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है बल्कि क्या कर रहा है, नाउन से पहले यूज होकर उससे रिलेट कर रहा है। ओके, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। ये क्या है हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। ज्वाइन ईच पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। वन हैज बीन डन फॉर यू। नंबर वन, आई नो A carpenter, he can mend the sofa. I know a carpenter who can mend the sofa. Second, this is the road leads to the railway station. तो नोट करेंगे, this is a road. The road नोट है तो ज्वाइन करने के लिए हम नोट करेंगे विच लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। नाउ नेक्स्ट, सी वॉज एन चैंपियन, ऑल स्पेक्टेटर्स लव्ड हिम। ही वॉज अ चैंपियन, हु लव्ड बाय ऑल स्पेक्टेटर्स। Now next, he narrated a story. It was pathetic. He narrated a story. Which was pathetic, which was pathetic. Okay, now next, the child is living in an orphanage. He is very intelligent. The child is living is an orphanage. Who is very intelligent. Now next, 6, did you like the sweets? I bought from them for you. Did you like the sweets? Which I yeah.
ब्रॉड डैम फ्रॉम, सॉरी डैम फॉर यू, स्टूडेंट्स प्लीज नोट इन योर नोटबुक. ओके थैंक यू.